उमर, कुछ जरा हम अगर चेंजेस की बात करें, आपने कहा जो भी, मैं इस पे टोटली अग्री करती हूँ कि कुछ भी चेंज करें जब तक सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और सबसे पहले जो है वो हमारा ओपनिंग स्टैंड नहीं चेंज होगा, बिकॉज हमने ऐसा सोच लिया जैसे बस ओपनिंग पे तो हम हिला ही नहीं सकते, कुछ इधर से उधर हो जाए कुछ भी, मगर ओपनिंग स्टैंड हमारा इधर से उधर नहीं हिल सकता। बट फिर भी अगर हम चेंजेस देखते हैं, एंड इफ यू थिंक के चेंज टीम में होना चाहिए, तो कौन से नाम है आपके जहन में, या फिर आपको लगता है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए टीम? देखिए, आई डोंट हैव लाइक, अगर आपको चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करना है तो देन यू हैव टू हैव गेट शान मसूद बैक इन द स्क्वाड। यस, हम काफी देर से इस पर डिबेट करते आ रहे हैं कि शान मसूद कहाँ पे एडजस्ट होगा। एक ना एक को फिर जाना पड़ेगा, फिर आए वो आपको इफ्तिखार को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपको खुशदिल शाह को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन शान के आने से ये जो एक रियलिटी है ना, जो हम डिबेट करते हैं कि ओपनिंग स्लॉट वैसे का वैसा रहे, इसके बावजूद वो सवाल वही का वही रहेगा। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें टॉप ऑर्डर पर क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो एशिया कप की परफॉर्मेंसेज थी, जाहिर है तमाम वो टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक उनके लिए ड्राई रन था। जो दुनिया बैठ के बाहर देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया देख रही थी, इंग्लैंड देख रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने बेसिकली अपना टेम्पलेट जो है वो खोल के दे दिया उनको, वो टेम्पलेट हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम यहाँ पे फंसते हैं। तो आए वो शान मसूद नंबर 4 पे आए, आए वो 5 पे आए, बट आपको ओपनिंग स्लॉट तो वही का वही है, उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। यस, मैं सुबह से देख रहा हूँ शर्जील खान का नाम फ्लोट किया जा रहा है कि उसको, उसने 100 करा है रात को, तो उसको आप टीम में ले आए। देखिए, बात वही आती है कि आप एक नए आने वाले प्लेयर को जब आप वेलकम करते हैं, जब आप नए स्क्वाड में लड़का आता है और वो उस कॉम्बिनेशन में आता है जो पिछले 2 साल से खेलता हुआ चलता आ रहा है, एक नया लड़का आएगा उसको आप एकदम एक्सपोज कर दोगे, जाओ वर्ल्ड कप पे करो, आपकी एक्सपेक्टेशन उसको उससे बहुत हाई हो जाएंगी, ये थोड़ा सा अनफेयर होता है। आप एक नए आने वाले बंदे को, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुना था कि कादिर ख्वाजा बता रहे थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड की, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड की, लेकिन उस पर रेस्ट देने की बात भी हो रही है कि आप एक दो लड़कों को रेस्ट दे दें और बाद में कुछ लड़कों को ट्राई आउट कर। लेकिन बात वही है कि आप ट्राई आउट करके आप उनको उन कंडीशन में थ्रो करेंगे जहां पे हम ऑलरेडी वीक हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी नहीं जीते, हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो आप ट्राई आउट पाकिस्तान में की कंडीशन में करेंगे, आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गोना प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे, यहाँ पे लड़के जो हैं वो जो है वो 50 मार देंगे 20 बॉलों पे, 25 मार देंगे, बट वो हमेशा इल्यूजन रहेगा। फलसवेरा, ये बात याद रखिएगा, आप शुएब मलिक को भी टीम में ले आए, शुएब मलिक यहाँ पे रन्स करेगा, मुझे 100% श्योर है कि आप अगेंस्ट इंग्लैंड को खिलाएंगे वो सातों के सातों गेम में रन्स करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इल्यूजन होगा। आप जब उसको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, न्यूजीलैंड लेके जाएंगे, वहां पे आप क्या करेंगे फिर? आप वो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपने दिया कि उसकी बेस पे आप उसको जज करेंगे, ये बड़ा बड़ा ट्रिकी है ये। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो बैठी हुई है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही। कितनी एक अनहोनी है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप जीता होता तो बड़ा आसान होता आपके लिए फैसला करना कि हमें क्या करना है, लेकिन चूंकि आपकी वहां पे आपके जो क्रैक्स है वो मजीद ओपन हो गए, आपके जो शुबा थे, जो आपकी जो टॉप ऑर्डर की बातें हम करते थे, अब सब कुछ खुल के सामने आ गया। जो मैं पहले भी आपके शो में हम बात करते रहे कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड है, जब आप जीतते हो तो हर चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप शुगर कोट करते हो, जी हमने ये कर दिया। यही शुएब मलिक थे जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया जीता था, तो ही हैड अ वेरी नाइस थिंग टू से अबाउट पाकिस्तान टीम, उसी ट्विटर अकाउंट पे, उसी जगह पे करा। कुछ दिन बाद पाकिस्तान फाइनल हारती है, तो वी हैव सीन हिम इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी जो क्रिटिसिज्म थी वो डिफरेंट थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती, सवेरा आप मुझे बताएं, मैं आदिल से पूछूंगा ये बात, कि ऐसे एटीट्यूड से जो शुएब मलिक ने लिखा ट्विटर के ऊपर, अब जो यंग लॉट है पाकिस्तान टीम की, वो शाहीन अफरीदी है, रिजवान है, बाबर है, ये कैसे वेलकम करेंगे शुएब मलिक को उस ड्रेसिंग रूम में, जिस ड्रेसिंग रूम को उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाल के उन्होंने बोला यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसे जहाँ पे निभाई जाती है। तो हाउ यू गोइंग टू वेलकम अ प्लेयर जो आपको आपकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन रेज कर रहा है? तो उमर जी, उमर मैं ये कह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने लाला से भी परसों ये सवाल पूछा था, हु इज सेइंग दैट, ये कह कौन रहा है, लाइक दिस इज कमिंग फ्रॉम शुएब मलिक। आई मीन पाकिस्तान का वो कौन सा कप्तान नहीं रहा है जिसने अपनी पसंद के खिलाड़ी जो है वो नहीं खिला है? अंटिल रिसेंटली बाबर से पहले सरफराज हुआ करते थे, सरफराज के अपने कुछ पसंदीदा से
सेट ऑफ प्लेयर्स हुआ करते थे, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिनके साथ कोई भी कप्तान कंफर्टेबल होता है. सो मैं खुद बड़ा आई वाज शॉक्ड बाय दिस ट्वीट बाय शुएब मलिक. सबको पता है इट्स एन ओपन सीक्रेट इन पाकिस्तान क्रिकेट. आपने कल्चर की बात की ना पाकिस्तान क्रिकेट की, जी आप उन्हें 10 साल भी देंगे फिर भी वो टिपिकल हमारा बैचलर कॉम एक स्टूडेंट भी हम ऐसे ही है ना, आखिरी दिन आके हम अपनी किताबें जनरली ज्यादातर लोग खोल रहे होते हैं. सेम गोज ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये भी कोई बाहर से लाके तो नहीं बैठाए गए, जो बाहर से लाया था वो तो चला गया बंदा, ये हमारे में से लोग हैं तो हमारी वाली हरकतें करेंगे सारे. तो ये जो है ना मैं तो बड़ा हैरान था कि यार अजर मिना शम्स इट्स एन ऑब्वियस थिंग, एक कप्तान अपनी दोस्ती यारी निभाता है, ही कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर टीम एंड इट्स शुएब मलिक हू इज सेइंग फॉर गॉड से क्या यू हैव बीन कैप्टन फॉर सो लॉन्ग, पर आपके भी अपनी कैप्टनसी का बड़ा बड़ा ताबनाक कोई टाइम नहीं गुजारा था जिस तरह की कैप्टनसी खत्म हुई थी और फिर जो रिपोर्टें बाद में आई थी वी ऑल नो अबाउट दैट. सो ये मेरे ख्याल से आई थिंक इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. उमर आपकी कुछ बातों से जाहिर है मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, मोस्टली आई एग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू से बिकॉज़ आई नो बड़े नेपथुले आपके जो है वो आपका असेसमेंट होता है, बट मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान. 7 मैचेस यहाँ पे आते हैं, वी विल बी प्लेइंग 3 मैचेस एटलीस्ट 3 मैचेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन न्यूजीलैंड एज वेल, 10 मैचेस है. यस हमने परसों एग्जैक्टली यही बात की थी, फखर वो 2 कैचेस आखिर में पकड़ लेता, फखर थे या बाजी फखर से कैचेस छूटे, ये शादाब वाले कैचेस थे, हम वो कैचेस पकड़ लेते, 1 छक्का 2 छक्का और मार लेते, हम फाइनल मैच जीत जाते. आज ये बहस की नहीं हो रही होती, शायद मैंने शायद कल जो है वो ये बात की थी कि सिर्फ एक जो है ना वो खिलाड़ी है आपका कि जिसमें फखर मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई एक, उसके अलावा कोई और चेंज की जरूरत नहीं है. थी बिल्कुल तब्दीलियों की बात हो रही है, क्या तब्दीली की जाएगी क्या नहीं, मगर माइंडसेट अगर आप फखर को ड्रॉप करते हैं किसको, आई डोंट सी एनी रिप्लेसमेंट फखर जमान का. अब बड़ी ट्रिकी बात है, आई मीन मैं वेरी ओपन अबाउट इट, अगर मैंने पहले भी ये बात बोला कि हमारे बेंच के ऊपर आपके पास जी 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 उमर जल्दी से आप क्या बस करें, मुझे बताओ किसको आप नाम पे खिलाएंगे. देखिए मुझे आई डोंट सी एनीवन. हाँ मेरा बस ये है कि पाकिस्तान टीम जो हम बात कर रहे थे कि फाइनल अगर जीता होता तो पाकिस्तान ये सबसे पहली टीम होती है दुनिया में जो सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस करती. अब चूंकि चीजें जो हैं वो थोड़ा दूर चली गई हैं, आपको नजर आना शुरू हो गया, लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ अपने सर पे नहीं होती, कुछ चीजें भी आ रही होती है बाहर से, कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा होता है, मुझे लग रहा है जिस तरह अभी यहां गेम सेट मैच के सेट पे कंफ्यूज्ड हैं उमर, एक चीज डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं जी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, अदील को लगता है चेंजेस होनी चाहिए.